मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज एक्वेटिक इकोसिस्टम। इससे पहले हमने बहुत प्रकार के इकोसिस्टम्स के बारे में स्टडी किया था, जिसमें ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था हमने। और आज हम पढ़ेंगे कि वाटर के अंदर लाइक लेक, पॉन्ड्स या रिवर्स के अंदर जितने जलीय जीव रहते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वेदर दे आर द प्लांट्स और एनिमल्स, वेदर दे आर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स, ओके, के अंदर जो भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में, उन सब चीजों के बारे में आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सो एक्वेटिक इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वाटर बेस्ड इकोसिस्टम। दे आर एन एरिया ऑफ वाटर इन विच द सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैन अकर। This definition excludes most groundwater system. तो यहाँ पर हम जो mainly explicit water-based systems हैं, whether they be are ponds, lakes or rivers, उनके अंदर जो भी जलीय जीव हैं, उनका जो ecosystem एक बना हुआ है, biological activities जो वो कर रहे हैं, उनके आपस में क्या relationship है, food से related ये dependency, वो सब चीज़ हम यहाँ study कर रहे हैं। यहाँ पर soil के अंदर जो groundwater है उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। एक्सप्लिसिटली जो वाटर बेस्ड इकोसिस्टम है, नदियों में, तालाबों में या झीलों में, उनके अंदर जो पूरा इकोसिस्टम है, जलीय तंत्र है, उसके बारे में हम बात करें। एक्वेटिक इकोसिस्टम कैन इन्वॉल्व फ्लोइंग और स्टिल वाटर और कैन बी फ्रेश और सलाइन वाटर। तो कई प्रकार का हो सकता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ वाटर सिस्टम ओवर देयर। इट मे बी अ स्टिल और अ ब्रेक वाटर, इट मे बी अ फ्रेश वाटर इन एनी रिवर और पॉन्ड, ओके, इट मे बी अ सलाइन वाटर सिस्टम। सो देयर आर सेवरल टाइप ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। इट मे बी अ फ्रेश वाटर और लिम्नोलॉजी जिसको बोलते हैं उसकी स्टडी को। लेक्स के अंदर हो सकता है लेंटिक, सिल्वर रिवर्स, लॉटिक, ग्राउंड वाटर, ब्रेकिश वाटर, जो इंटरटाइडल जो आपके ओशंस होते हैं उनके साइड में कहीं पर जो वाटर लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं तो जो ब्रेक वाटर बनता है वो, देन द मैराइन वाटर, ओके, जो ओशियनोग्राफी है मैराइन वाटर की, देन एंथ्रोपोजेनिक वाटर्स और द ड्रिंकिंग वाटर, उनके अंदर भी इकोसिस्टम होता है, ओके, जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वाटर में, जो मिनरल्स होते हैं उनका। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। सो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स क्रिएट बायोडाइवर्सिटी। It is also important for breeding of the marine, we can say the living marine creatures or the living organisms. Buffer systems होते हैं इसके अंदर, sinks, only part of hydrological cycle. So these are certain points which shows the importance of aquatic ecosystem. Then here this is a picture which shows a freshwater ecosystem and it includes ponds, लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड वेटलैंड्स, जहाँ पर कि फ्रेश वाटर पाया जाता है। और इस फ्रेश वाटर में जो इकोसिस्टम होता है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। वेटलैंड्स, एरिया ऑफ लैंड दैट आर पीरियोडिकली अंडर वाटर और हुज सॉइल कंटेन्स अ ग्रेट डील ऑफ मॉइस्चर। तो यहाँ पर वेटलैंड्स में हम बात कर रहे हैं ग्राउंड वाटर्स की भी, ओके। नॉर्मली ऑन द एज ऑफ पॉन्ड्स, लेक और रिवर के जो बिल्कुल किनारे पर होता है, दैट इज नोन एज वेटलैंड्स। तो फ्रेश वाटर कहाँ पे मिल रहा है हमको? पॉन्ड्स में, लैंड्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स और वेटलैंड्स में, ओके। देन देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। सो द फर्स्ट इज द फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, सनलाइट, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स डिटरमाइन विच ऑर्गेनिज्म लिव इन विच एरिया ऑफ द वॉटर। तो ऑब्वियसली अगेन द डेप्थ ऑफ, वी कैन से द डेप्थ ऑफ वॉटर इन साइड द वॉटर विल डिपेंड कि उस वहाँ पर कितना सनलाइट जा पा रहा है, वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कितना, कितनी ज़्यादा हम गहराई में जाएंगे वॉटर के अंदर इको सिस्टम में, तो उतना ही ज़्यादा सनलाइट वहाँ पर कम आएगी, ऑक्सीजन कम होगा, टेम्परेचर भी कम होगा, न्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाएंगे। तो उसी के अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग जो पर्टिकुलर मेराइन क्रिएचर्स वहाँ पे सर्वाइव कर पाते होंगे दे विल बी फाउंड ओवर देयर, ओके। और जो जितना हम ऊपर आएंगे वाटर में तो उस हिसाब से वहाँ पर टेम्परेचर, सनलाइट, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज होंगे, ज़्यादा होंगे। तो वहाँ पर जो अडेप्टेशन प्रोसेस होगा उस पर्टिकुलर लिविंग बीइंग के लिए, तो वो वहां पर रहेगा, ओके। थ्री ग्रुप्स ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड
तो तीन प्रकार के एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. फर्स्ट आर द प्लैंकटन, नेक्टन एंड बेंथन. ये भी अगेन इट डिपेंड कि ये किस पर्टिकुलर वाटर लेवल की डेप्थ तक वहां पर रहेंगे. वो अगेन उसके अबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं लाइक टेम्परेचर, सनलाइट, ऑक्सीजन, न्यूट्रंस, इस पर डिपेंड करेगा कि बायोटिक कंपोनेंट किस पर्टिकुलर डेप्थ और वाटर पर, लेवल ऑफ वाटर पे पाए जा रहे हैं. तो प्लैंकटन्स जो होते हैं दे आर मोस्टली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स दैट फ्लोट और ड्रिफ्ट फ्रीली इन द वॉटर एंड कैन बी माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, जू प्लैंकटन और माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स. बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, स्मॉल स्मॉल होते हैं और ये फ्रीली वॉटर के अंदर पे फ्लोट कर सकते हैं. तो ये बेसिकली इसमें प्लांट्स भी होते हैं और कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक, छोटे छोटे बहुत ही स्मॉल सूक्ष्म एनिमल्स होते हैं, दे आर नोन एज जू प्लैंकटन्स. और जो उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं दे आर नोन एज द फाइटोप्लैंकटन्स. एंड सेकेंड काइंड ऑफ क्रिएचर्स आर द नेक्टॉन्स एंड दीज आर ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट स्विम एक्टिवली इन ओपन वाटर इंडिपेंडेंट ऑफ द करेंट्स. तो ये वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्मॉल लेवल के, जो कि फ्रीली स्विम कर सकते हैं ओपन वाटर में, चाहे वहां पर जो जो भी वाटर की जो धारा है, जो करंट है, वो किसी भी डायरेक्शन में कहीं पे भी हो, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ दैट. देन बेंथोस, बेंथोस आर बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म. ये बिल्कुल बॉटम में पाए जाते हैं, सी में, ओशंस में, बिल्कुल बॉटम सरफेस जो होती है, हार्ड सरफेसेस होती हैं, वहां पर होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, ये वहां पर ड्वेल करते हैं, वहां पर रहते हैं, बिल्कुल बॉटम में. दे आर कॉल्ड बेंथोस. Then let us discuss about the lakes and ponds. They can form naturally where the ग्राउंड वाटर रीचेज द अर्थ सर्फेस. तो जहाँ भी अर्थ के सर्फेस पर ग्राउंड वाटर होता है वहाँ नेचुरली ये फॉर्म हो जाता है. जहाँ पे कुछ ऐसा डिक टाइप का या कुछ गड्ढा टाइप का सा बहुत लार्ज सा एरिया होता है तो वहाँ पे अपने आप ही ये नेचुरली फॉर्म हो जाते हैं लेक्स और पॉन्ड्स. ह्यूमन इंटेंशनली क्रिएट आर्टिफिशियल लेक्स बाय डैमिंग फ्लोइंग रिवर्स एंड स्ट्रीम्स टू यूज डैम फॉर पावर, इरीगेशन, वेस्ट स्टोरेज एंड रिक्रिएशन इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वॉयर्स. और आर्टिफिशियल लेक्स एंड पॉन्ड्स भी होते हैं जो कि यूजुअली डैम जहाँ पर बनते हैं, जिन एरिया में हाइड्रो पावर जनरेशन होता है, इरिगेशन के लिए, वेस्ट स्टोरेज के लिए, या रिजर्वॉयर के रूप में भी जो ह्यूमन बींग्स हैं वो आर्टिफिशियल लेक्स क्रिएट कर लेते हैं. और उन आर्टिफिशियल लेक्स के अंदर भी एक्वेटिक इकोसिस्टम्स डेवलप हो जाते हैं, स्ट्रक्चर्ड इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जोन्स. तो ये जो आपके लेक्स एंड पॉन्ड्स हैं दे आर फर्दर कैटेगराइज्ड और स्ट्रक्चर्ड इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जोन्स. द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सनलाइट अवेलेबल ओवर देयर. देन द लाइफ इन अ लेक. So there are two types of zones basically. First is a littoral zone. So littoral zone is a shallow zone where light reaches the bottom and nurture plants and aquatic life is diverse and abundant. तो ये अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर इन दैट पर्टिकुलर एक्वेटिक इकोसिस्टम, कि उस लेक का डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, क्या लाइट वहाँ बिल्कुल बॉटम तक जा पा रही है, जो प्लांट्स के नर्चरिंग के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए क्या वो वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है, उस पर डिपेंड करता है. इन ओपन वाटर प्लांट्स, एल्गाइज एंड सम बैक्टीरिया कैप्चर सोलर एनर्जी टू मेक देयर ओन फूड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. तो ओपन वाटर में, क्योंकि जो ओपन फ्रेश वाटर होता है वो कैसा होता है कि वो ट्रांसपेरेंट होता है, वहाँ पे सनलाइट भी प्रॉपरली नीचे तक जा पाती है, बॉटम तक जा पाती है. लेकिन जो जहाँ पर फ्रेश वाटर नहीं होता, सलाइन वाटर होता है या बहुत डेंस वाटर होता है जहाँ पर डर्टी वाटर भी होता है, तो वहाँ पर सनलाइट प्रॉपरली बिल्कुल बॉटम तक नहीं जा पाती है, तो वहां पर उतना अच्छा एक्वेटिक इकोसिस्टम नहीं होता है. लेकिन जहाँ पर फ्रेश वाटर होता है, बिकॉज ऑफ द ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर, द सनलाइट कैन गो इनसाइड द बॉटम ऑफ दैट एंड द प्लांट्स कैन टेक सनलाइट टू क्रिएट देयर ओन फूड एंड दे आर द प्रोड्यूसर्स एंड दे मेक देयर फूड बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ओके, जो जितने भी प्लांट्स हैं वो सनलाइट को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं सनलाइट के द्वारा. देन बेंथिक जोन्स.
बेंथिक जोन्स बेसिकली क्या होता है, एट द बॉटम ऑफ पॉन्ड या लैंड लेक होते हैं. जैसे मैंने बताया था कि बेंथोस जो होते हैं, दे आर दोज पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म हु ड्वेल इन द बॉटम ऑफ द सी. तो वो पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स या एक्वेटिक क्रिएचर्स जो कि बिल्कुल बॉटम में पाए जाते हैं, तो उसी से ये टर्म बना है बेंथिक जोन, यानी कि बिल्कुल बॉटम वाला जोन जो होता है पॉन्ड्स लेक्स और ओशियंस का, ये वो वाला होता है विच इज इनहेबिटेड बाय डिकम्पोजर्स इंसेक्ट लार्व एंड क्लेम्स. तो बेसिकली यहाँ पर बैक्टीरिया फंजाइज एल्गे ये सब होते हैं, तो जो ये सब क्या होते हैं, ये सब डिकम्पोजर्स ही होते हैं. सम बॉडीज ऑफ फ्रेश वाटर हैव एरिया सो डीप दैट देयर इज टू लिटिल लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस. बैक्टीरिया लिव इन द डीप एरियाज ऑफ फ्रेश वाटर. इवेंचुअली डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स रीच द बेंथिक जोन. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एट द एज ऑफ द वाटर लेवल होते हैं या फिर वो बिल्कुल सरफेस पर जो फ्लोट कर रहे होते हैं, व्हेन दे गेट डेड, तो वो क्या होते हैं, फिर वो वहां से सिंक होके वो बिल्कुल नीचे बॉटम ऑफ द सरफेस पे आ जाते हैं वाटर की. और वहां पर जितने ये डिकम्पोजर्स हैं वो उनको डिकम्पोज करके फर्दर इनऑर्गेनिक मैटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं. देन हाउ न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट लेक्स. न्यूट्रिएंट्स में आता है यूट्रोफिकेशन, एक प्रोसेस होता है. इट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रेट्स इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम. तो जैसे कि जो डिकम्पोजर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन में नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, सल्फेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेड डेड सेल्स होते हैं उनको, डेड बॉडीज होती हैं उनको. एज द अमाउंट ऑफ प्लांट्स एंड एल्गे ग्रो द नंबर ऑफ बैक्टीरिया फीडिंग ऑन द डिकेइंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो. तो जैसे जैसे वहां पर डिकम्पोजर्स बढ़ते जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह ये सब बढ़ते जाते हैं, तो वैसे वैसे आपके डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स भी जो होते हैं प्लांट और एल्गे ग्रो होने की वजह से बढ़ते जाते हैं और वो डिकम्पोज भी जल्दी होते हैं. दिस बैक्टीरिया यूज द ऑक्सीजन डिजोल्व इन द लेक्स वाटर. इवेंचुअली द रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन किल्स ऑक्सीजन लविंग ऑर्गेनिजम्स. तो बेसिकली क्योंकि ज्यादातर जितने भी आपके प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स वी कांट से, बट जितने भी उसमें एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो कि ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑब्वियसली दे विल कंज्यूम मोर ऑक्सीजन ओवर देयर एंड विच विल रिजल्ट इन टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन दैट पर्टिकुलर एक्वेटिक इकोसिस्टम. ओके, बट अगर प्लांट्स अगर वहां पे उस प्रकार के हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करें और ऑक्सीजन को एक्सहेल करें, ऑक्सीजन प्रदान करें, तो वहां पे उस पर्टिकुलर एक्वेटिक इकोसिस्टम में ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो सकता है. दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर एक्वेटिक इकोसिस्टम इन विच वी हैव सीन सो मैनी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज मैनी फिशेस, मस्कार्ट्स, डक्स, ब्लू विंग्ड टील, पेंटेड टर्टल, ग्रीन फ्रॉग, पॉन्ड स्नेल्स, डाइविंग बीटल्स एंड द लाइक. ओके, सो ये बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर रहते हैं एंड दीज कंस्टिट्यूट द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम. लेकिन यहाँ पर जो सनलाइट है वाटर के अंदर, जो डिफरेंट लेवल ऑफ डेप्थ पर जो टेम्परेचर है, ओके, वहां पर जो ऑक्सीजन का लेवल है, ये सारी चीजें वहां के एबायोटिक कंपोनेंट्स को, उस पर्टिकुलर एक्वेटिक इकोसिस्टम के अबायोटिक कंपोनेंट्स को कंस्टिट्यूट करती हैं. ये सारे इसके अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं. देन लेट अस डिस्कस अबाउट एन एक्वेटिक इकोसिस्टम इन अ रिवर. अ रिवर इज यूजुअली कोल्ड एंड फुल ऑफ ऑक्सीजन एंड रन स्विफ्टली थ्रू अ शैलो रिवर बेड. तो ऑब्वियसली जो रिवर होती है उसका वाटर क्लीन होता है क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है, फ्रेश होता है, और वो क्या होती है, फ्लोइंग होती है, एक स्लो पेस से फ्लो कर रही होती है स्विफ्टली. तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन भी होगा और वो उसका वाटर बहुत कोल्ड भी होता है. एज अ रिवर फ्लोज डाउन अ माउंटेन इट मे ब्रॉडन, बिकम वार्मर, वाइडर, स्लोअर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीजन. जैसे जैसे वाटर माउंटेन से प्लेन्स की तरफ आती है, वैसे वैसे पानी जो गर्म होता जाता है और रिवर चौड़ी होती जाती है, क्योंकि जो ग्लेशियर्स मेल्ट करके आ रहे हैं गर्मी की वजह से, फिर वहां पर
और भी जगह से आके छोटे छोटे उसके ट्रिब्यूटरीज उसमें एड अप होते जाते, तो वाइड होती जाती है, स्लो भी हो जाती है उसकी स्पीड वहां पर प्लेन्स में, और उसके बाद ऑक्सीजन का लेवल भी वहां पर डाउन हो जाता है. अ रिवर चेंजेस विद द लैंड एंड द क्लाइमेट थ्रू विच इट फ्लोज. रिवर जो है वो लैंड में आके चेंज हो रही है, वहां पे क्लाइमेट भी उसका जो है वो चेंज हो रहा है, उसके आसपास की सॉइल चेंज हो जा रही है, एयर चेंज हो जा रही है, सारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी. देन द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, बॉडीज ऑफ फ्लोइंग वाटर मूविंग इन वन डायरेक्शन आर नोन एज स्ट्रीम्स. जो आपकी नहरें जो होती हैं जो कि रिवर के साइड से बन जाती हैं. फाउंड एवरीवेयर दे गेट देयर स्टार्ट एट हेड वाटर्स विच मे बी स्प्रिंग्स, स्नो मेल्ट्स और इवन द लेक्स, ट्रेवल ऑल द वेज टू देयर माउथ्स, यूजली अनदर वाटर चैनल और द ओशन. तो दीज आर समथिंग विच आई टोल्ड यू अबाउट स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, लाइफ इन अ रिवर. सो बेसिकली यहाँ पर जो लिविंग क्रिएचर्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर दे आर द फिशेस, फ्रॉग्स एंड अदर क्रिएचर्स, तो हम उनकी बात कर रहे हैं लाइफ में. ऐसे हमने पहले ही पढ़ा था एक्वेटिक्स में प्लैंकटोन्स होते हैं, पैंथोज होते हैं, ये सारे जीव होते हैं. तो मॉसेस एंकर देमसेल्फ टू रॉक्स, ट्रोट एंड मेनोज आर एडोप्टेड टू द कोल्ड ऑक्सीजन रिच वाटर, जो कि बेसिकली माउंटेन के साइड जो रिवर्स होती है वहां पे पाए जाते हैं. प्लैंकटन कैन फ्लोट इन दी वार्मर कामर वाटर्स, प्लांट्स हियर कैन सेट रूट्स इन द रिवर्स रिच सेडिमेंट, फिश सच एज कैटफिश एंड कार्प ऑल्सो लिव इन दीज कामर वाटर्स. नाउ देयर आर सम डेंजर्स इन द रिवर्स, सो दे आर डेंजर टू द रिवर इंस्टेड. तो बेसिकली जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं जो कि रिवर के साइड में, रिवर बेड पर जो लगे हुए हैं इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज वगैरह, तो उनकी वजह से जो वाटर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है उनके एमिटेंट्स की वजह से, जो उनका जो डिस्पोज ऑफ है सीवेज और गार्बेज जो है लोग रिवर में डाल दे रहे हैं उसकी वजह से, तो ये सब थ्रेट्स हैं रिवर्स के लिए, डेंजर है. दीज प्रैक्टिसेस हैव पॉल्यूटेड रिवर्स विद टॉक्सिन्स विच हैव किल्ड रिवर ऑर्गेनिजम्स एंड मेड रिवर फिश इनएडिबल. तो जहरीले बना दे रहे हैं फिशेस को, वहां के ऑर्गेनिज्म को. तो लोग जो दोज हु आर नॉन वेजिटेरियन एंड दोज हु टेक फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स एज देयर फूड, सो दैट बिकम टॉक्सिक, दे डोंट इवन ईट देम, दे कांट इवन ईट देम. टुडे रन ऑफ फ्रॉम द लैंड पुट्स पेस्टिसाइड्स एंड अदर पॉइजन्स इनटू रिवर्स एंड कोट्स रिवर बेड्स विद टॉक्सिक सेडिमेंट्स. So there are some factors which can be altered in an ecosystem. So the first is the natural succession and second is the artificial succession. The natural succession means the normal cycle of pond becoming forest. तो natural, जैसे कि मैंने आपको ecological succession एक topic पढ़ा था, तो यही ecological succession आपका water के अंदर भी हो सकता है, एक aquatic ecosystem में भी हो सकता है, जो कि naturally हो सकता है कि water के अंदर एक forest plants का पूरा एक डेंसिटी क्रिएट हो सकती है. देन आर्टिफिशियल सक्सेशन में कहते हैं ह्यूमंस जो है वो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस को एड अप कर सकते हैं वाटर में बाय सम फर्टिलाइजर्स एंड सीवेज कॉजिंग सक्सेशन विच इज अ प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन, जिसमें हम नाइट्रेट की मात्रा को आर्टिफिशियली इंक्रीज करते हैं एक पर्टिकुलर एक्वेटिक इकोसिस्टम में, वहां पर प्रॉपर एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए. देन द नेक्स्ट इज हियर The next slide here is water factors can which can be altering the aquatic ecosystem. So, or we can say the negative factors or the threats to an aquatic ecosystem is the water pollution, excessive use of fertilizers, which may pollute the water, and they can harm the living organisms over there or the biotic component of that. Then the industries waste disposals. Okay, thank you, students. Thank you very much.